क्योंकि इन पांच हैबिट्स ने मेरा भी पूरा का पूरा रूटीन बहुत ज्यादा चेंज किया और मैं काफी ज्यादा आलसी हूँ जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन यदि आप ये पांच हैबिट फॉलो करते हैं ना तो आपका ना काफी एक तो काम कम हो जाता है, उसी के साथ इसको अपने रूटीन में लाना बहुत आसान हो जाता है। बिकॉज एक डाइट प्लान करना, आप किसी डाइटिंग पे नहीं जा रहे हो, एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, एक लाइफ स्टाइल को फॉलो कर रहे हो, तो ये कुछ इस तरह से होनी चाहिए, इसे आप एक लंबे टाइम तक इजिली कर पाओ। सो चलो ये पांच टिप्स मैं आपको बताती हूँ, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। इसमें सबसे पहली हैबिट जो आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाली है, ये आई थिंक हर किसी को पता होगा लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये है आपका पानी पीने का तरीका। आप जो भी पानी पीने वाले हो ना, उसकी बोटल्स आप जब अपना मॉर्निंग का काम कर रहे हो तभी रिफिल करके रखो। अदरवाइज आपका क्या होगा, आपके वर्किंग टेबल पर यदि आपकी पानी की बोतल नहीं है और आप कोई भी काम कर रहे हो तो आप सोचोगे ठीक है थोड़ी देर बाद पी लेंगे, और वो थोड़ी देर आएगी नहीं और आपके लंच का टाइम हो जाएगा या बीच में आपको भूख लगाएगी या फिर आपको केवल प्यास लग रही होगी और उसकी जगह आप कुछ खा लोगे। तो आपको क्या करना है, आपको लगभग 2 लीटर पानी या फिर 3 लीटर पानी अपने पास रखना है, आपको मॉर्निंग में ही आपको रिफिल करके रखना है। जब भी आपका मन करे, आपको कुछ नहीं, आपका मन भी नहीं कर रहा है ना, आप पानी की बोतल की तरफ देखोगे तब भी आपको याद आ जाएगा कि आपको पानी पीना है। दूसरा पानी पीने का बहुत इजी तरीका, आप ना इस तरह से एक बोतल फिल करके रखो, इसमें आप अपने पसंद के कोई भी वेजिटेबल भी यदि डाल के रखते हो तो आपका इजिली डिटॉक्स वाटर तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको उसको पीना कैसे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप, आपको ना कोई भी मील जब ले रहे हो आप उससे आधे घंटे पहले थोड़ा सा पानी जरूर पीकर रखो। इससे क्या होगा, एक तो आपकी कैलोरी कट डाउन होगी, यानी पानी आपके माइंड को एक सिग्नल पहुंचाएगा कि आपका पेट काफी हद तक फिल है। और दूसरी बात, जब आप पानी लेते हो पानी में ना कोई कार्ब नहीं होता है, तो ये आपकी कार्ब की कैलोरीज को भी कम करने में आपकी बहुत हेल्प करता है। और साथ में आपको पानी पीना कैसे है ये मैं आपको साथ ही साथ ऐड कर दूंगी। तीसरा पॉइंट हमारा बहुत ही सिंपल सा है, आप जब भी अपने काम पर निकल रहे हो, आपका पूरे दिन का रूटीन है, चाहे आप हाउस वाइफ ही क्यों ना हो, आप कहीं भी नहीं जाते घर से, लेकिन उसके बावजूद भी अपना एक सुबह जब आप ब्रेकफास्ट तैयार करो ना, उसी के साथ ही साथ अपना कुछ मील आप पहले से पैक करके रखो। जैसे कि आप इवनिंग स्नैक्स पैक कर सकते हो, कुछ फ्रूट्स कट करके पैक कर सकते हो, कुछ वेजिटेबल्स आप पैक कर सकते हो। जब भी आपको भूख लगेगी ना, आप इधर उधर भी कुछ भी नहीं खाने जाओगे, और आपको पता है कि आपका डब्बा तैयार रखा है, यानी आपने पहले से एक डब्बा बना के रखा हुआ है फ्रूट कट करके या कुछ भी आपको जो भी लेने का मन है, फ्रूट्स है, चने हैं, मखाने हैं, इस तरह के आपका उस डब्बे में ऑलरेडी पैक है। आप यदि उसको पहले से ही खा लोगे ना तो आपको कोई भी अलग से क्रेविंग नहीं होगी, जो कि आपको जब ज्यादा भूख लगती है ना तो आपको एक्स्ट्रा क्रेविंग होने लगती है, आपके दिमाग में आने लगता है कि आज तो चलो पाव भाजी खाते हैं, आज चलो मोमोज खाते हैं, आपको ये वाली क्रेविंग ना खत्म हो जाएगी क्योंकि आपका पेट ऑलरेडी फिल हो जाएगा। इस हैबिट में हमारा जो फोर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है वो है नेगेटिविटी। आपको सुनने में बहुत अजीब सा लग रहा होगा लेकिन ये अजीब नहीं है, आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा इस पॉइंट से। आपके पास क्या होते हैं ना, बहुत सारे नेगेटिव लोग भी होते हैं जिसमें आपका एक फ्रेंड सर्कल भी आता है। आजकल हर किसी के पास गैजेट होते हैं, हर कोई किसी से भी कनेक्ट इजीली करता रहता है, और आपने देखा होगा लोग आपको तब कॉल ज्यादा नहीं करेंगे जब वो अच्छे मूड में होंगे, लेकिन तब आपको बहुत ज्यादा कॉल करते हैं जब उनको किसी की गॉसिप करनी होती है, चुगली करनी होती है, या फिर वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग जो कि आपसे हमेशा नेगेटिव बात ही करते हैं, आप क्या करो, एक कान से उनकी बात सुनो दूसरे से निकाल दो, या फिर आप उन्हें थोड़ा सा ज्यादा सीरियस मत लो, उनकी नेगेटिविटी को अपने राउंड एरिया में मत आने दो। ठीक है, जितना आप नेगेटिविटी को कम रखोगे अपने एरिया पर आप उतने ही ज्यादा पॉजिटिव रहोगे। और हाँ, दूसरी बात, यदि आपको नेगेटिविटी को कम करना है ना तो सबसे अच्छी बात है कि आप चुगली मत करो, आप बुराई मत करो लोगों की, तो क्या होगा यदि आप भी करोगे तो डबल आपका सेम एनर्जी फ्लो होगी और आप देखोगे कि आप में भी उतनी ही एनर्जी वेस्ट हो रही है और आप भी उतनी नेगेटिव हो रहे हो। उसी के साथ ही साथ इसी फोर्थ पॉइंट में एक बहुत ही जरूरी चीज, आपको नेगेटिविटी जितना ज्यादा दूर रखनी है उसी के साथ आपको ना एक इंस्पिरेशन भी अपने पास रखनी है। ये इंस्पिरेशन कोई भी हो सकते हैं, कोई बॉलीवुड स्टार हो सकता है, कोई आपकी फ्रेंड हो सकती है, या फिर जिसे देखकर आपको लगता है ना कि हमें भी इतना ही पतला होना है, आप उसको डेफिनेटली
डेफिनेटली फॉलो करो, आप उसको सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, आप ना इस तरह की इंस्पिरेशन वहां से भी ले सकते हो जो लोग ज्यादा फिटनेस रिलेटेड आपको डिटेल्स देते हैं। जब भी आप जो भी काम आप करना चाहते हो, यदि आप उसको बार बार रिपीट करते हो या आप बार बार उसको देखते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आप में एक एनर्जी फ्लो होती है कि हाँ हमें इस गोल को अचीव करना है। ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपके गोल को रियल लाइफ में अचीव कराने में। सो ये जो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का डिफरेंस है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और पॉजिटिव वे में आपको इंस्पायर होना है उन लोगों से, या फिर उन लोगों की आपको पोस्ट पढ़नी है जो कि बहुत ज्यादा आपको इंस्पायर करते हैं, आपको बोलते हैं कि आपको ये वाली चीजें खानी है ये वाली नहीं खानी है। जब आपको क्रेविंग भी हो रही होगी ना और आप देखोगे कि आप इस तरह की कोई भी पोस्ट फॉलो कर रहे हो, तो आपकी अंदर से इच्छा होगी कि हाँ हमें भी वेट लॉस करना है। आप कभी भी अपने रूट से इधर उधर नहीं होगे और एक अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो कर पाओगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको खाना खाना कैसे है, ये एक डाइट प्लान नहीं है, ये डाइट पैटर्न है जो कि आपको एक लंबे टाइम तक फॉलो करना है। तो इसको फॉलो करने के लिए ना इसके रूल फॉलो करना बहुत जरूरी है, यानी आपको खाना खाना किस तरह से है। इसमें होगा क्या, जरूरी नहीं है आप डेली घर पे ही खाना खा रहे हो, कई बार होगा आपकी ऑफिस पार्टीज भी होंगी, कई बार होगा आपकी दोस्तों की पार्टीज भी होंगी, कई बार होगा आप बाहर होगे, कई बार होगा आप ट्रैवलिंग पे होगे, तो ना हमेशा आपका रूटीन बिगड़ता रहेगा। लेकिन यदि आप खाना सही तरीके से खा रहे हो तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको क्या करना है, हर कोई बोलता है कि पहले सैलेड खा लो एक प्लेट भर के और उसके आधे घंटे बाद खाना खाओ, तो ऐसा ना पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि कई बार वर्क आपका इतना ज्यादा हेक्टिक चल रहा होता है, तो आपको ना आपकी जो प्लेट आएगी ठीक है उसमें आपको सैलेड रखना जरूर है, आपको उसमें रायता या दही रखना जरूर है, आपको उसमें सब्जियां रखनी जरूर है, ठीक है। तो आप करोगे क्या, आप सबसे पहले सैलेड खाओगे चबा चबाओगे, ऐसे नहीं करोगे कि आपने साथ में खाना खाया बीच में एक टुकड़ा सैलेड खा लिया फिर एक गज्जा खा लिया फिर आपने साथ में सैलेड खा लिया, ऐसे नहीं खाओगे। पहले आप पूरा अपना सैलेड अच्छे से खत्म करोगे, पहले प्लेट में सैलेड आना चाहिए ठीक है, उसके बाद आपके पास थोड़ा सा रायता है सब्जी है, आप थोड़ा रायता ले लो और उसके साथ थोड़ी सब्जियां खाओ हल्की सी, उसके बाद आप अपना खाना अपनी प्लेट में रखना स्टार्ट करोगे, जैसे दाल है रोटी है। यदि आपको आइडिया नहीं होता है कि आपको कितना खाना है, यदि आपको आइडिया हो चुका है एक टाइम के बाद तब आप एक साथ भी रख सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग में ना आपको बाद में रखना है, आपको पहले ये सब कुछ खत्म करना है, उसके बाद आपको अपना जो दाल चावल रोटी इस तरह का जो खाना लेना है वो आप उसके बाद दो। तो ये आप देखोगे कि एक तो क्वांटिटी उसकी काफी कम हो जाएगी और दूसरी बात आपका जो पैटर्न है खाने का वो सही हो जाएगा। आप पहले रॉ फूड अपनी बॉडी को दे रहे हो, तो रॉ फूड जब आप अपनी बॉडी को पहले देते हो तो वो डाइजेस्ट ज्यादा अच्छे से हो पाता है। यदि आप सब कुछ मिक्स मैच करके देते हो तो उसका डाइजेशन सिस्टम कमजोर हो जाता है और साइंटिफिकली आपका मेटाबॉलिज्म कम अच्छे से वर्क करने लगता है। तो ये थे आज के हमारे कुछ पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा मदद करेंगे, और ये छोटे छोटे दिखते हैं लेकिन ये छोटे छोटे हैं नहीं, सो इनको एक बार फॉलो करके देखना और उसके बाद मुझे बताना। और इसी के साथ यदि आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो मेरी आईडी है नेहाज किचन विला, आप मुझे दोनों पर ही फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर मैं स्पेशली आपको आपके डाइट रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर भी देती हूँ, तो प्लीज अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, स्क्रीन पर हमारी आईडी भी आ रही है। एंड थैंक यू।